डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 4 थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स के पार्ट 5 के बारे में पढ़ेंगे। यह पार्ट इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। द ग्रोथ ऑफ पौराणिक हिंदुइज्म, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। देयर वर टू इम्पोर्टेंट ट्रेडिशंस दैट डेवलप्ड विद इन द पौराणिक हिंदुइज्म। पौराणिक हिंदू धर्म में दो परंपराओं का विकास हुआ। वैष्णविज्म इज ए फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म। वैष्णववाद हिंदुवाद का एक रूप था, इन विच विष्णुवाद वर्शिप्ड एज द प्रिंसिपल डेटी। इसमें भगवान विष्णु को मुख्य देवता के रूप में पूजा जाता था। अकॉर्डिंग टू वैष्णविज्म देर आर 10 अवतार्स ऑफ विष्णु। वैष्णववाद के अनुसार विष्णु के 10 अवतार थे। अवतार्स वर फॉर्म दैट द डेटी वॉज बिलीव्ड टू हैव एज्यूम्ड इन ऑर्डर टू सेव द वर्ल्ड वेन एवर द वर्ल्ड वॉज थ्रेटन बाई एविल फोर्सेस। यह माना जाता था कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अर्थव्यवस्था और विनाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। डिफरेंट अवतार्स वर पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न अवतार पॉपुलर थे। शैविज्म इज ए ट्रेडिशन इन विच शिवा वॉज रिगार्डेड एज द चीफ गॉड। शैववाद वह परंपरा थी जिसमें भगवान शिव को मुख्य देवता के रूप में माना जाता था। शिवा वॉज सिम्बुलाइज्ड बाय द लिंगा, ऑल्दो ही वॉज ओकेजनली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन फिगर टू। शिव को लिंग के प्रतीक के रूप में भी दर्शाया जाता था और कभी कभी शिव को मानव के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता था। सम ऑफ दी डेटीज वर रिप्रेजेंटेड इन स्कल्पचर्स। इनमें से कुछ देवताओं को मूर्तियों के रूप में भी दर्शाया गया है। ऑल सच रिप्रेजेंटेशन डिपिक्ट ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइडियाज अबाउट द डेटीज। ये सभी दृश्य देवताओं के बारे में विचारों का जटिल चित्रण प्रस्तुत करते हैं। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज स्कल्पचर्स हिस्टोरियंस हैव टू फैमिलियर विद द पुराण्स। इन मूर्तियों के अर्थ को समझने के लिए इतिहासकारों को पुराणों से परिचित होना होगा। पुराण्स कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेसेस। पुराणों में देवी देवताओं की कहानियाँ हैं। देवर रिटन इन सिंपल संस्कृत। ये कहानियाँ साधारण संस्कृत भाषा में लिखी हुई हैं एंड वर मीन टू बी रीड अलाउड टू एवरीबॉडी। और प्रत्येक के लिए इन कहानियों को जोर जोर से पढ़ा जाता था। पुराना स्टोरीज डेवलप थ्रू इंट्रैक्शन अमंगस्ट पीपल। जो पुराणों की कहानियाँ हैं ये लोगों के मेल मिलाप से विकसित हुई। प्रिस्ट मर्चेंट एंड ऑर्डनरी मैन एंड वुमेन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस शेयर दीज आइडियाज एंड बिलीव्स। पुजारी व्यापारी साधारण पुरुष और स्त्रियां जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, उन्होंने इन विचारों और विश्वासों को आपस में साझा किया। फॉर एग्जाम्पल वासुदेव किशन वाज एन इम्पोर्टेंट डेटी इन द मथुरा रीजन। उदाहरण के लिए वासुदेव किशन मथुरा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देवता थे। ओवर सेंचुरीज ही इज वर्शिप सेपरेट टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के विभिन्न भागों में भी फैल गई। ग्रोथ ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, मंदिर स्थापत्य कला का विकास। व्हेन द स्तूपास एट साइट सच एज सांची वर टेकिंग देयर प्रेजेंट फॉर्म। जैसे कि कुछ स्तूप अपने स्थानों पर, जैसे कि सांची में वो अपने वर्तमान रूप में आ रहे थे। एट द सेम टाइम द फर्स्ट टेम्पल टू हाउस इमेज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस वर आल्सो बीइंग बिल्ट। देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए मंदिरों का निर्माण भी उसी समय में किया गया। द अर्ली टेम्पल वॉज ए स्मॉल स्क्वेयर रूम। जो प्राचीन मंदिर थे वो एक छोटे वर्गाकार कमरे के रूप में होते थे।
काल का गर्भगृह, जिसको गर्भगृह कहा जाता था, विद ए सिंगल डोरवे फॉर द वर्शिपर, इसमें पूजा करने वाले के लिए एक ही दरवाजा होता था जिसमें से वह प्रवेश कर ऑफर वर्शिप टू द इमेज, मूर्ति की पूजा करता था। ग्रेजुअली टॉस्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज शिखरा वाज बिल्ट ओवर द सेंटर श्राइन, धीरे धीरे जो केंद्रीय स्थान होता था, जो केंद्रीय पावन स्थान होता था मंदिर का, उसके ऊपर एक विशाल ढांचा जिसे शिखर कहा जाता था उसका निर्माण किया जाने लगा। टेम्पल वॉल्स वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स, मंदिर की दीवारों को भी मूर्तियों से सजाया जाता था। असेंबली हॉल्स, ह्यूज वॉल्स, गेटवे एंड अरेंजमेंट फॉर सप्लाइंग वाटर मेड द लेटर टेम्पल्स मोर एलोबरेट। सभाकक्ष, ऊंची ऊंची दीवारें, द्वार और पानी की सप्लाई का प्रबंध, इन सभी बातों ने बाद में मंदिरों को और विशाल बना दिया। वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ अर्ली टेम्पल्स, जो प्राचीन मंदिर थे उनकी एक और शानदार विशेषता थी, वाज दैट सम ऑफ दीज वर होलोड आउट ऑफ द ह्यूज रॉक्स, उन मंदिरों को बड़ी चट्टान को खोखला करके बनाया गया था एज आर्टिफिशियल केव, एक कृत्रिम गुफा के रूप में। एन अमेजिंग एग्जाम्पल ऑफ द कार्विंग आउट ऑफ एन एंटायर टेम्पल फ्रॉम ए केव इज दैट कलासना टेम्पल एट एलोरा, महाराष्ट्र। एन अमेजिंग एग्जाम्पल, एक शानदार उदाहरण ऑफ द कार्विंग आउट ऑफ एन एंटायर टेम्पल फ्रॉम ए केव, जो एक पूरी चट्टान को काटकर एक गुफा के रूप में एक मंदिर का निर्माण किया गया, वह महाराष्ट्र के एलोरा में कैलासनाथ का मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द यूरोपियन स्कॉलर्स वाइल स्टडिंग द स्कल्पचर्स, मूर्तियों का अध्ययन करते समय यूरोपीय विद्वानों के सामने क्या क्या समस्याएं थी। फर्स्टली द यूरोपियन स्कॉलर्स वर नॉट फैमिलियर विद द लोकल ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स, सबसे पहली बात यह है कि जो यूरोप के विद्वान थे वे स्थानीय परंपराओं और विश्वासों से परिचित नहीं थे। देवर हॉरिफाइड बाय द इमेज ऑफ हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल्स, वे आधे मानव और आधे पशु की आकृति को या मूर्ति को देखकर डर जाते थे। दे कंसिडर्ड द इंडियन स्कल्पचर्स इन्फीरियर टू दैट ऑफ यूरोपियन स्कल्पचर्स, उन्होंने भारतीय मूर्तियों को यूरोप की मूर्तियों से तुच्छ समझा। फ्रॉम गीस विच विद विच दे वर फैमिलियर, विशेष रूप से यूनान की मूर्तियों से जिनसे वो परिचित थे। दिस वॉज बिकॉज दे कंपेयर द इंडियन स्कल्पचर्स टू द इमेज ऑफ ग्रीस विद विच दे वर फैमिलियर, ये इसलिए था क्योंकि वे भारतीय मूर्तियों की तुलना यूनान की मूर्तियों से करते थे जिनसे वो परिचित थे। सेकेंडली द आर्ट हिस्टोरियंस यूज टेक्सटुअल ट्रेडिशंस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्कल्पचर्स, दूसरा कारण ये है कि जो कला के इतिहासकार थे वो मूर्तियों के अर्थ को समझने के लिए लिखित परंपराओं का सहारा लेते थे। वाइल दिस इज ए बेटर स्ट्रेटजी दैन कंपेयरिंग द इमेजेस फाउंड इन द इंडिया विद दैट ऑफ ग्रीस, भारत की मूर्तियों को यूनान की मूर्तियों से तुलना करना एक अच्छी नीति है, बट इट वॉज नॉट ऑलवेज ईजी टू यूज़, लेकिन इसका प्रयोग करना हमेशा आसान नहीं था।